हेलो, द वेरी ऑस्पिशियस नवरात्रि फेस्टिवल इज गोइंग टू स्टार्ट टुमारो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दूँ जिससे कि आप नवरात्रि में अगर आपके कोई वेट लॉस प्लेटो स्टेज है या आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल ज़रूर हों। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपने फास्ट क्यों रखने हैं, आपके स्पिरिचुअल रीजंस है या रिलीजियस रीजंस है या फिर आप डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत देर से आपको वेट लॉस प्लेटो है, आप उसको तोड़ने के लिए फास्ट करना चाहते हैं या फिर वो सब खाना चाहते हैं जो इस फास्ट में आप खाते हैं, कुट्टू की पूरियां, कुट्टू के पकौड़े, साबूदाना की खिचड़ी, विच आर ऑल बैड फॉर वेट वॉचर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा डाइट प्लान जिसे आप फॉलो करके आप अपने प्लेटो स्टेज को ब्रेक कर सकते हैं और वेट लॉस कर सकते हैं। स्टार्ट योर डे विथ अ ब्यूटिफुल कप ऑफ लेमन वाटर। आप इसमें थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं बिकॉज हनी इट हेल्प्स यू टू यू नो फास्टन अप योर मेटाबॉलिज्म। इसके बाद ब्रेकफास्ट में आप एक फ्रूट स्मूदी ले सकते हैं, और अगर हाँ आप जल्दी वेट लूज करना चाहते हैं तो फ्रूट स्मूदी की बजाय आप एक वेजिटेबल स्मूदी लीजिए, और या फिर आप दूध के साथ थोड़े से नट्स ले सकते हैं। ये खाना आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। लेकिन अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप नाश्ते में कोकोनट वाटर के साथ सिर्फ 5 आमंड्स और 1 वॉलनट और 2 फिग्स लें, जिससे कि आपकी प्रॉपरली बॉडी की क्लेंजिंग हो सकती है। इसके बाद मिड मॉर्निंग में आप अराउंड 10 o'clock आप 2 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर लीजिए। देन हाफ एन आवर आफ्टर दैट हैव बटर मिल्क, कोकोनट वाटर और ग्रीन टी। इसके बाद लंच में आप ले सकते हैं 2 साबूदाना के चीले या फिर 2 आप कुट्टू के चीले ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप साबूदाना जो खिचड़ी है वो मत लीजिए, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं कि साबूदाना खिचड़ी का कैलोरी कंटेंट है तो आप शायद इस पूरे फास्ट में ना खाएं, लेकिन मैं वो करूंगी अपने आने वाले वीडियोस में। उसके बाद आप अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्रत कर रहे हैं सो यू कैन गो फॉर घिया, यू कैन गो फॉर सैलेड, या आप रायता ले सकते हैं उसमें खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालकर। देन इवनिंग में आपका कुछ मन करता है कि कुछ आप चटपटा खाएं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव आलू चाट, बट रिमेंबर इन द 7 डेज यू शुड नॉट एक्सीड 5 boiled potatoes इन द होल नवरात्रि। सो आप आलू चाट ले सकते हैं और उसमें आप खूब सारे वेजिटेबल्स डालें, 2-3 चम्मच आप उसमें पीनट्स के डाल सकते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा जिंग। लेकिन हाँ, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप आलू की बजाय यू कैन गो फॉर ओनली वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलेड। इसके बाद आप डिनर में आप ट्राई टू कीप इट द सिंपलेस्ट, यू कैन हैव जस्ट मिल्क और यू कैन हैव रायता इफ इट सूट्स यू ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और बहुत ज़रूरी है पानी का ध्यान रखना बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फास्टिंग। और एक बात आपको ये भी याद रखनी है, अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ जिसमें 50 कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं वो आपके फास्ट को ब्रेक करती है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें 50 कैलोरीज से कम कैलोरीज होती हैं वो आपके फास्टिंग को ब्रेक नहीं करती। सो खूब सारा पानी पीजिए, एटलीस्ट 13-15 ग्लासेस, खूब सारे फ्रूट्स खाइए, खूब सारे वेजिटेबल्स खाइए, नट्स खाइए, ताकि आप अपने फास्ट में अपने जो भी वेट लॉस प्लेटो को ब्रेक कर सकें या फिर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकें। हमारे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि पानी का क्या महत्व है फास्टिंग में, और जो हम रेगुलर खाना व्रत में खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, डेंस कैलोरी फूड्स को आपको कैसे अपने नवरात्रि डाइट प्लान में आपको इंक्लूड करना है, और 4th या 5th नवरात्रि में आमतौर पर आप बोर हो जाते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी मोनोटोनस, तो मैं आपको बताऊंगी कुछ नई नई रेसिपीज जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं और अपने नवरात्रि को खूब इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो भी पूरे हेल्थ जिंक के साथ। सो दिस इज डाइटिशियन पल्लवी जस्सल नाउ सेइंग बाय, फिर मिलेंगे नवरात्रि टिप्स के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर।